गाइस अब होने वाला है हमारा म्यूटू वर्सेस शाइनी लुकारियो, लेट्स गो गाइस। अब देखना हमारा म्यूटू शाइनी लुकारियो पर किस तरीके से अटैक करने वाला है। बट गाइस शाइनी लुकारियो ने हमारे म्यूटू को जमा दिया है। आज हम लोग जाने वाले हैं मेगा लुकारियो को कैप्चर करने। गाइस लास्ट टाइम जब मैं इसे पकड़ने गया था तो इसने मेरे सारे पोकेमोन्स को मार दिया था और मैं इसे नहीं पकड़ पाया था। बट गाइस आज मेरे पास एक बहुत तगड़ा प्लान है इसे पकड़ने का, जो कि मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। और गाइस एक बार अगर ये पकड़ में आ गया तो उसके बाद मैं इसकी फाइट करवाने वाला हूँ इटरनेटर्स के साथ, जिसमें की बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। ऑल राइट गाइस, पैल वर्ल्ड की एक और धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। और गाइस जैसे कि आज हम लोग मेगा लुकारियो को कैप्चर करने जाने वाले हैं, तो भाई मैं आज पूरी तैयारी के साथ जाने वाला हूँ, क्योंकि भाई मैं नहीं चाहता कि हमारी पिछली बार की तरह फिर से कुटाई हो जाए। मतलब गाइस पिछली बार जब मैं मेगा लुकारियो को पकड़ने गया था तो उसने मेरे 50 से ज्यादा पोकेमॉन्स को मार दिया था। मतलब सारे के सारे को भाई घर आके दवाई लगानी पड़ी थी और सारे बीमार पड़े हुए थे। अब देखो गाइस सबको मैंने दवाई ववाई खिला के पूरा फिट कर दिया है। और गाइस मुझे पता चला है कि जो हमारा ब्लैक मार्केटर है वो कुछ बहुत ज्यादा तगड़े तगड़े वेपन्स दे रहा है भाई, तो मैं फटाफट से फास्ट ट्रैवल कर उसके पास चलने वाला हूँ। क्योंकि भाई अगर मेरे पास भी वो तगड़े वेपन्स आ गए तो भाई सोच के देखो यार, हम लोग उस मेगा लुकारियो कितने आराम से मार देंगे। तो मैं फटाफट से फास्ट ट्रैवल करने वाला हूँ। तो ओके गाइस अब मैं फास्ट ट्रैवल करके आ चुका हूँ। जल्दी से अपने यहाँ पर लॉन्ग ड्रैगन को निकाल लेते हैं और इसके ऊपर बैठ कर मैं डायरेक्ट चलने वाला हूँ वहाँ पर। और एक सेकंड भाई ये भिखारी फिर दिख गया यहाँ पे, रुक बेटा रुक। गाइस ये देखो मैंने अभी ये मल्टी गाइडेड मिसाइल लॉन्चर खरीदा था एक दो दिन पहले। अब देखो इसका सीधा मत्था कैसे खोलता हूँ मैं, ये ले। पता नहीं यहाँ आगे पता नहीं क्या खाना सा पकाता रहता है, दिमाग खराब कर देता है भाई। सुबह सुबह आओ नहीं यहाँ पे भीख मांगने लगता है कि भाई कुछ खाने को दे दो, पीने को दे दो। गाइस अब जल्दी से मैं अपने ब्लैक मार्केटर के पास चलने वाला हूँ, वो इसी नुकीली पहाड़ी के नीचे रहता है। मैंने उसे भी यार बोला था कि तूने इतना पैसा वैसा कमा लिया है, क्योंकि भाई पिछली वाली वीडियो में उसने मेरे से 50 लाख कॉइंस लिए थे। तो मैंने उसे बोला था यार कुछ ढंग का सा घर वर ले ले पता नहीं, पर भाई नहीं यार, भिखारी को भाई सोने का लोटा दे दो। फिर भी इन्होंने सिर्फ भीख ही मांगना है। अब देखो अभी भी यहीं पर रह रहा है। अब जल्दी से गाइस पहुंचते हैं अपने ब्लैक मार्केटर के पास और हमारा ब्लैक मार्केटर यहीं पर खड़ा हुआ है, पता नहीं क्या लकड़ी वकड़ी को देख रहा है। तो मैं फटाफट से यहाँ पर उतरने वाला हूँ और ब्लैक मार्केटर से गाइस फटाफट चल के बात कर लेते हैं। और भाई ये किससे लड़ने लग गया है? अबे यार ये बल्ला लेके आ जाते हैं हमारे लॉन्ग ड्रैगन से लड़ने। अबे ओ चिंदी निकल जा यहाँ से भाई। रुक जा रुक जा रुक जा बेटा, तू तो अलग से मारूंगा, रुक जा ले तुझे भी लॉन्चर से मारता हूँ। हाँ आया मजा बेटा, हवा में उड़ा के नीचे गिरा दिया। और तू मत लड़ भाई, तू अंदर आ जा, तू अंदर आ जा, अभी तू बेमतलब में यहाँ बजा बुझू दे। भाई फटाफट से गाइस चलते हैं और इस ब्लैक मार्केटर से पूछ लेते हैं कि भाई वो उस वेपन के बदले में हमसे क्या लेने वाला है। 2 seconds later. तो ओके गाइस मेरी से बात हो गई है और ब्लैक मार्केटर कह रहा है कि भाई ये मुझे वेपन्स तो दे देगा, बट उसके बदले में पता है साहब जी को क्या चाहिए? साहब जी कह रहे हैं कि भाई 500 वाइन की बोतलें चाहिए इसे। मतलब हमारा भाई ब्लैक मार्केटर नॉटी हो रहा है, पता नहीं भाई नशे वशे करने से। तो भाई चलते हैं। वैसे मेरे बेस पे यार बहुत ज्यादा वाइन पड़ी है, क्योंकि भाई देखो हम तो पीते नहीं है। अब भाई इसके लिए ले आते हैं, इतना ज्यादा बोल रहा है। तो मैं फटाफट से वापस से बेस पर चलने वाला हूँ। भाई पता नहीं यार हर बार तो ये मेरे से भाई पता नहीं क्या क्या चीजें मांगता है कि भाई मुझे म्यूटू दे दो, 50 लाख रुपए दे दो। आज तो भाई सस्ते में ही निपट गया। मतलब सस्ता क्या भाई, 500 वाइन की बोतलें। मुझे लग रहा है भाई ब्लैक मार्केटर के घर पे कोई पार्टी वार्टी होगी। तो भाई पर फिर भी यार 500 बोतलें कहाँ लगती हैं पार्टी में? पहले गाइस मैं भी अपने बेस पे जाके चेक कर लूं कि भाई मेरे पास खुद भी है 500 वाइन की बोतलें। तो गाइस मैं फटाफट से वापस अपने बेस पर चलने वाला हूं। अब गाइस जल्दी चल के देख लेते हैं कि भाई मेरे यहां पर तिजोरी में रखी हुई है 500 वाइन की बोतलें। भाई लगता है हमारा ब्लैक मार्केटर ज्यादा ही नशेड़ी हो चुका है। देखो सामने गाइस मैंने एक छोटा मिनी बार बना रखा है। अब देखते हैं भाई यहां पर हमारी कितनी वाइन की बोतलें पड़ी हुई हैं। ओ वेट गाइस हमारे पास भाई पूरी 500 वाइन की बोतलें हैं। मुझे नहीं पता भाई एकदम एक्यूरेट 500 वाइन की बोतलें कहां से आ गई। और भाई सीढ़ियों से चलना है क्यों, डायरेक्ट यहां से कूद जाते हैं। भाई जब भी अपने बेस को ऐसे देखता हूं ना भाई, टूटा हुआ इतना रोना आता है। मतलब भाई सारे के सारे बेस मेरे इस टाइम पे गाइस टूटे हुए हैं। और भाई मेरा सपना है कि मैं बहुत बड़ी सिटी बनाने वाला हूं, जिसमें कि गाइस बहुत ज्यादा मेहनत लगने वाली है। तो तुम लोग मुझे कमेंट्स में यार आइडियाज बता देना कि भाई सिटी में क्या क्या रखवाना है। भाई मैं तो सोच रहा था कि शॉपिंग मॉल खोल दें, कार डीलरशिप खोल दें, मतलब क्या क्या खोल दें। बाकी गाइस जो भी तुम लोग चाहते हो तुम लोग मुझे कमेंट्स करके बता देना, हम लोग पक्का से भाई अपनी सिटी में लगा देंगे। तो गाइस फटाफट से चलते हैं अपने ब्लैक मार्केटर के पास और जल्दी से वो वेपन्स को लेके आते हैं। तो गाइस मैं वापस से फास्ट ट्रैवल करके आ चुका हूं। अब जल्दी से अपने लॉन्ग ड्रैगन पर बैठते हैं। और तू मत लड़ने लगा कर यार, मैंने इतनी बार बोला है भाई मत लड़ा कर इन चिंदी पोकेमोन से, पर मानता ही नहीं है भाई। अब क्या कर सकते हैं भाई, इसे भी लड़ने में बहुत मजा आता है। बेटा भी रुक जा, तुझे भाई मेगा लुकारियो के पास लेके जाने वाला हूं, वहां लड़ियो, वहां ये फुस जाते हैं वहां चलते ही। वहां पे तो बोलते हैं भाई इतने बड़े पोकेमोन से क्यों भिड़ा दिया मुझे, वहां नहीं लड़ेंगे यहां भाई, चिंदी चिंदी जिगली पफ को मारेंगे। भाई कहां गया हमारा ब्लैक मार्केटर, आया तो मैं सही हूं ना? अबे अबे घूम तो होता है वो। एक सेकंड भाई एक सेकंड, मैं फास्ट ट्रैवल तो सही करके आया हूं ना। अबे यार जल्दबाजी में मुझे लग रहा है गाइस मैं कोई गलत जगह फास्ट ट्रैवल करके आ गया हूं। अबे हां जाना इधर था, पता नहीं कहीं और ही फास्ट ट्रैवल कर दिया। चलो भाई अब मैं वापस से अपनी सही जगह पर आ गया हूं फास्ट ट्रैवल करके। अब चलते हैं भाई ब्लैक मार्केटर के पास। और ये भिखारी का भाई भी आ गया यहां पे। अबे तुम्हें समझ नहीं आती क्या भाई, ये जगह नहीं है भीख मांगने की यार। बार बार करके मरने में बड़ा मजा आता है भाई, जितनी बार भी दिखेंगे ना मैं तो मत्था खोल दूंगा इनका, बार बार दिमाग खराब करते हैं। अभी जस्ट 1 मिनट पहले से टपकाया था, अब इसका भाई आके बैठ गया यहां पे। अब भाई जल्दी चलते हैं अपने ब्लैक मार्केटर को।
भाई 500 वाइन की बोतलें देते हैं, इसे भी भाई पार्टी करने देते हैं। ले भाई ब्लैक मार्केटर, मैं तेरे लिए भाई 500 वाइन की बोतलें ला चुका हूँ। रुक जा भाई, कहीं ब्लैक मार्केटर कोई मारने वाला था भाई? यार इसे भाई जेब में ढंग से भर के रखना पड़ेगा मुझे, वरना कभी भी पता चले ब्लैक मार्केटर को ही टपका दे। अब गाइस फटाफट से 500 वाइन की बोतलें देते हैं। ये ले भाई तेरी 500 वाइन की बोतलें, अब चाहे तू इसे बेचियो या पी पाइयो, पर भाई 500 बोतलें पी मत लियो भाई, कभी टपका के जाए कल उठी ना पाए। ये 500 वाइन की बोतलें, अब जल्दी से गाइस इससे वो खतरनाक वेपन्स ले लेते हैं। A few moments later. All right guys, तो फाइनली गाइस हमें ब्लैक मार्केटर ने वो खतरनाक गन्स दे दिए हैं। एक बार मैं तुम्हें दिखा देता हूँ भाई। एक इसने दिए ये टेस्ला, जिससे कि भाई बिजली के झटके लगेंगे, और भाई मेरे पास ये मीटियर लॉन्चर तो था, बट गाइस इसने मुझे दे दिया इसकी बहुत सारी बुलेट्स, जो कि भाई कहां पर है एक सेकंड भाई, यहां ये रही भाई 18 मीटियोर्ड फ्रेगमेंट दिए हैं भाई, जिससे कि भाई हम लोग बहुत तगड़े लेवल की तोप चला सकते हैं। वैसे भी तुम्हें चला के दिखाने वाला हूं। और साथ में गाइस इसने हमें दिया है एक, कौन सी गन है भाई यहां पे मिक्स का हो गई, एक भाई इसने वल्केन दिए गाइस हमें। एक बार इसे हटा लेते हैं भाई लॉन्चर को। गाइस वल्केन से क्या होगा कि भाई हम जिस भी पोकेमोन पे अटैक करेंगे भाई उसमें आग लग जाएगी। एक बार गाइस मैं तुम्हें टेस्ट करके भी दिखा देता हूं, क्योंकि भाई देखो वेनम तो तुमने देखा है कि भाई जहर के झटके देती है, बट साथ में गाइस अब तुम्हें मैं दिखाने वाला हूं तगड़ी तगड़ी दूसरी गन्स। जैसे कि भाई देखो सामने हिरन घूम रहा है ना, रुक जाओ भाई इसके बजाते हैं और उसके बिजली के झटके देने वाला हूं मैं। ये देखो भाई एक दूंगा सीधा मत्थे में, अरे भाग मत रुक जाओ। ये देखो भाई इसे कितना ज्यादा करंट लगा है, पर इतना ज्यादा तो फर्क नहीं पड़ा यार। बट भाई उसने बोला है कि मेगा लुकारियो के सामने सारे वेपन्स अच्छे से काम करेंगे। और भाई तुम में से भी बहुत सारे लोगों ने पिछली वीडियो में कमेंट करा था कि आप भाई वेनम वाली गन को यूज करो, क्योंकि भाई मेगा लुकारियो के सामने वेनम गन सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। और ये क्यों पंगे लेता है मेरे से? ले बेटा तेरे में तो आग लगूंगा, ले ले गाइस। ये देखो भाई एक बारी में आग लगने लग गई इसमें, पर पता नहीं यार इन्हें इतना डैमेज क्यों नहीं आ रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा। रुक जाओ बेटा तुम्हारे लिए तो अलग ही इलाज है मेरे पास। ले भाई मीटियर लॉन्चर मारूंगा भाई इसके सीधा मत्थे में। गाइस अब देखना ये वाली लॉन्चर क्या करेगा। ये ले भाई रुक जा, ये ले बेटा भाई साहब, भाई पर्पल कलर के धुएं निकल जाते हैं। तो गाइस अब मुझे लग रहा है कि मैं पूरा प्रिपेयर हो चुका हूं उस मेगा लुकारियो को पकड़ने के लिए। और गाइस साथ में मैं अपने लेके जाने वाला हूं सबसे ज्यादा खतरनाक पोकेमॉन्स, जैसे कि भाई ये व्हाइट एलियन ड्रैगन। गाइस मैं पिछली बार पकड़ के लाया था, मतलब भाई ये रैंडमली कहीं पे स्पॉन हुआ वो मुझे दिख गया और मैंने इसे पकड़ लिया, और इसे अब तक गाइस मैं किसी भी फाइट के अंदर नहीं लेके गया हूं। तो भाई ये इसकी पहली फाइट होने वाली है, तो हमें पता भी चल जाएगा कि गाइस ये कितना ज्यादा पावरफुल है। और साथ में गाइस मेरे पास है हमारा वेनम, जिसे तो भाई तुम लोग जानते ही हो यार, हमारा सबसे खतरनाक एलियन टाइप पोकेमॉन। साथ में भाई म्यूटू को तो भाई हर जगह लेके जाता हूं मैं। गाइस पिछली बार म्यूटू को ब्लैक मार्केटर ने ले लिया था, बट भाई मैं उसे वापस से पैसे देकर इसे भाई म्यूटू को वापस ले आया था। मतलब भाई मेरा सबसे ज्यादा पावरफुल पोकेमॉन है यार, इसे नहीं लेके जाऊंगा तो किसे लेके जाऊंगा फाइट में? बात तो सही है। और गाइस लास्ट हमारा जो पोकेमॉन होने वाला है वो है भाई गिगांटामैक्स चार्जार्ड, जो कि भाई है सबसे ज्यादा खतरनाक फायर टाइप पोकेमॉन। तो भाई आज मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि हम लोग इस मेगा लुकारियो को आज पकड़ के लाने वाले हैं। भाई अगर तुम्हारा भाई आज उसे पकड़ के नहीं लाया ना, तो भाई मैं गंजा हो जाऊंगा, इसलिए भाई आज उसे हमें पकड़ के लेके आना पड़ेगा। फटाफट से गाइस अब फास्ट ट्रैवल करके चलते हैं ऊपर पहाड़ों में, जहां पर वो अरीना है, क्योंकि गाइस वहीं पर हमारा मेगा लुकारियो स्पॉन होता है। पर वो सब तो ठीक है, बट मैं चार्जार्ड के ऊपर बैठ के क्यों उड़ रहा हूं भाई? ऐसे तो मुझे 10 साल लग जाएंगे यहां पहुंचने में। रुक जा बेटा तू बस फाइट में ही काम करियो भाई, अपने लॉन्ग ड्रैगन को बाहर निकालते हैं। इधर आ जा डायरेक्ट भाई इसके ऊपर ही बैठ के चलने वाला हूं मैं। मतलब मैं चार्जार्ड पे बैठ गया मैं, और इस बार तो भाई इस भिखारी का भाई नहीं आ गया ना यहां पे। अगर बेटा इस बार भी दिख गया ना, इस बार तो सही बेटा, पहले तो दिख जाए एक बार यहां पे अगर है तो। ये और भिखारी कहां बैठा रहता है सामने। अगर बेटा इस बार दिख गया, इस बार तो इतने झूठ मारूंगा। और भाई इस भिखारी का एक और फैमिली मेंबर आके बैठ गए, तुम रुको तुम्हारी ऐसी तैसी, ये खा बेटा तू बिजली ले, ये लगे झटके बेटा ले, और आग भी लगाऊंगा तेरे में तो एक ले, और ले तू मीटियर लॉन्चर ले, हां बेटा सब ले तू बेटा सब। दिमाग की दही कर दी यार, बिल्कुल यार करके चिल्लाता रहेगा बार बार यार। अब गाइस फटाफट से फास्ट ट्रैवल करते हैं ऊपर पहाड़ों के अंदर, और गाइस मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, क्योंकि सोच के देखो गाइस अगर मैं एक बार भाई मेगा लुकारियो को पकड़ के ले आऊं, तो भाई हम लोग उस इटरनेटस को और साथ में भाई शैडो म्यूटू को भी कितने आराम से पकड़ के लाएंगे यार। अब भाई सबसे पास में जो फास्ट ट्रैवल है वो ये रहा, तो मैं फटाफट से यहीं पर चलने वाला हूं। गाइस मैं फास्ट ट्रैवल करके आ चुका हूं, और एक बार भाई फिर से यहां पर कोई सप्लाई ड्रॉप गिर रही है। कहां पर है सप्लाई ड्रॉप? ये वही तो आसपास है, कहीं तो आसपास है ये। वो रही भाई बिल्कुल बगल में आके गिरी है भाई, यहीं पर सारी ड्रॉप्स गिरती है क्या? देखो यहां पर एक और मीटियोराइट का ये पत्थर सा पड़ा हुआ है। अब देखते हैं भाई यहां पर क्या है इस बार, मेरे सबसे क्या बताओ गाइस, सप्लाई ड्रॉप आई हो यार, पता नहीं भाई यहां पे आते हैं कुछ एलियन विलियन भी आते हैं। ये देखो भाई ऐसे ही गाइस, देखो यहां पे दिख रहा है तुम्हें व्हाइट एलियन ड्रैगन, भाई यहीं से मैं पकड़ के लाया था इस ड्रैगन को। अब पता नहीं भाई ये कैसा है, लो बेटा तुम्हें तो एक ये मारता हूं, रुक जाओ मेरे पे अटैक करोगे तुम? ये लो एक बारी में उड़ा दूंगा बेटा। यार छोड़ो गाइस इससे क्या ही पंगा ले यार, बेमतलब में टाइम वेस्ट करते हैं ये। हम लोग गाइस डायरेक्ट अपने स्टेडियम पे चलने वाले हैं, और गाइस सामने तुम्हें दिख ही रहा होगा कि उसी स्टेडियम के अंदर गाइस हमें मेगा लुकारियो मिलता है। बस गाइस वहां पर वो स्पॉन हो चुका हो, पर चले वहां पर स्पॉन ही ना हुआ। और ये भाई अबे क्यों पंगा ले रहा है मेरे से, तुम्हें समझ नहीं आती क्या? रुक जाओ। अरे भाई अबे सारे पंगा लेने लग गए। लो बेटा तुम रुको, म्यूटू जाइए जरा। अब देखना गाइस हमारा म्यूटू इनकी कैसे पैर बजाएगा। जा मार भाई, ले कमांड दे दी तू, ये मार जल्दी यो फटाफट। ले बेटा चल, एक बारी में गए तो एक बारी में गया। अरे क्या कर रहा है भाई, ले मैं मारता हूं, ले तुझे तो उड़ा के मारूंगा। रुक जा बेटा, ये तू पहले बिजली के झटके खा। अरे निशाना मिस करवा दिया। ले वल्केन वाली गन लगा, पहले तो आग लगा ले, आग लगा और तू खा वेनम। ये ले जहर भी लगा। गाइस मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही कि इन बाकी सारे पोकेमॉन
उसको तो इतना डैमेज जा नहीं रहा। बस भाई मेरा पोपट ना बन जाए कभी, वो ऐसी पागल बना देगी मेरा कि भाई मेगा लुकारियो इससे मर मुरा जाएगा। कभी भाई मेगा लुकारियो और गंदी तरीके से कुटाई करे मेरी। और भाई ये व्हाइट ड्रैगन भी मरने वाला है, बस रुक जा ये ले खा। चलो भाई बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करवा दिया इन पोकेमॉन्स ने, मैं डायरेक्ट अपने लॉन्ग ड्रैगन के ऊपर बैठने वाला हूं। इतना टाइम है ही नहीं अब उनके पास यार, हम डायरेक्ट चलने वाले हैं। गाइस अब जल्दी से अपने स्टेडियम के अंदर चलते हैं, बस भाई वहां पर हमें मेगा लुकारियो मिल जाए। पर ना भाई मुझे नहीं पता कि हमें कितना वेट करना पड़ेगा जब वो रिस्पॉन हुए, मतलब भाई एक घंटा भी लग सकता है, दो घंटे भी लग सकते हैं और एक दिन भी लग सकता है, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं है कि कितनी देर में मेगा लुकारियो स्पॉन होगा। और गाइस एक चीज मैं बोलना भूल गया, थैंक यू सो मच फॉर 8K सब्सक्राइबर्स। भाई तुम लोगों ने इतने सारे कमेंट्स कर दिए कि भाई शैडो म्यूटू को लेके आओ, शैडो म्यूटू को लेके आओ। तो भाई जैसा तुम्हारे भाई ने प्रॉमिस करा था कि 8K सब्सक्राइबर पर शैडो म्यूटू आएगा, तो भाई नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर हम लोग शैडो म्यूटू को लेके आने वाले हैं। अब जल्दी से पहुंचते हैं भाई और देख लेते हैं गाइस हमारे मेगा लुकारियो को। गाइस यहीं पर है हमारा मेगा लुकारियो जो कि भाई 100 लेवल का है। और भाई कितनी हेल्थ है इसकी, एक सेकंड, पिछली बार तो ऐसा लग रहा है थोड़ी कम हेल्थ थी यार, ये कितनी हेल्थ है भाई। अरे 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 भाई गाइस 20 करोड़ की हेल्थ है मेगा लुकारियो की। अरे भाई इसे कैसे मारेंगे यार, बस ये भाई जो वेपन्स इसने दिए हैं वो काम कर जाएं, वरना तो भाई आज मैं गया, आज तो इतना गंदा मारेगा। पिछली बार तो इसने भाई 50 पोकेमोन मारे थे, आज तो मुझे लग रहा है भाई 100-200 पोकेमोन को इन्हें निपटा दे। भाई सबसे पहले रुक जाओ, सबसे पहले भाई मुझे ना अपना यार यहां पे वो बनाना पड़ेगा, बैल बॉक्स बनाएंगे सबसे पहले। चल के रुक जाओ, सिलेक्ट तो कर लिया मैंने, नीचे कूद के ये लगाता हूं, चुपचाप लगा देता हूं, वरना ही मेरी बैंड बजा देगा। जल्दी जल्दी बोल दो, जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ, पागल ना हो जाए, पागल ना हो जाए, पागल ना हो जाए, बस 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 अब आ जा बेटा तू, अब तेरी ऐसी तैसी करता हूं। ले सबसे पहले तो तेरे में बिजली लगाऊंगा, ले इसके पिछवाड़े में लगाऊंगा बिजली, तो ले ये ले, बिजली बेटा लग गई है। अब बोलना बोला बोल, आजा बेटा आजा, आपको बताऊंगा मैं, आ तो जा बेटा आजा। पर भाई इसकी 200 करोड़ की हेल्थ है, देखो पूरी शील्ड ले गया एक बारी में। ले बेटा व्हाइट एलियन को भेजता हूं, व्हाइट एलियन जा। ओए अरे गाइस ये मेरे साथ व्हाइट एलियन भी टपक गया। अरे भाई यार भाई मुझे इसी बात का डर था, मुझे पता है यार ये बहुत ज्यादा पावरफुल है यार भाई, ये भाई प्लीज आज पकड़ में आ जाए, वरना भाई मुझे टकला होना पड़ जाएगा। नहीं नहीं भाई टकला नहीं हो सकता मैं, रुक जाओ ले ले। अरे भाई ये तो भाई 30 निकला यार, ये पोकेमॉन कुछ काम का नहीं है, ये यहीं पड़ा रहे। भाई किसी और को उठा लेते हैं भाई, डार्क आए अपने पे, रुक जाओ भाई डार्क आए को रख लिया तू, अब तू यहां से भी हट, चल कूड़े की तरह पड़ा हुआ है यहां पे, अंदर जा। अब रुक जा बेटा, रुक जा ले तेरे में लगाऊंगा डायरेक्ट में, ले मीटी और खा ले तू, ये वाली बंदूक खा ले, ये ले भाई उड़ा दिया है। अरे उनसे कोई भी फर्क नहीं पड़ा, ले डार्क है तू जा, डार्क है तू जा, जल्दी 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 मारो 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 भाई, सिर्फ 19 का डैमेज गया है। अरे क्या पागल बना रहा था मेरा, रुक जा भाई रुक जा, इसने बोला था कि भाई इससे तो जाएगा, वेनम से तो जाएगा ही जाएगा, रुक जाओ चेक कर लेता हूं। ले वेनम खा ले, अब देखते हैं गाइस कितना डैमेज जाएगा। भाई कितना डैमेज जा रहा है उसे। गाइस मैं मर भले गया हूं बट मुझे लग रहा है गाइस वो वेनम वाली गन काम कर चुकी है। रुक जाओ बेटा, अब मुझे लग रहा है भाई अब पकड़ लूंगा मैं उसे। भाई 10 लाख का डैमेज जा रहा है, 10 लाख का, 1 लाख का, जितना भी जा रहा है भाई। देखो कितनी जल्दी हमने उसकी हेल्थ डाउन कर दी। रुक जा बेटा, आप तो गया बेटा, रुक जा, पहले मैं अपने सारे पोकेमॉन्स का निकालने वाला हूं। डीएल का तू बाहर आ जा, ले लॉन्ग, रुक जा डार्क का तू भी बाहर आ, वेनम तू भी बाहर आ जा, रुक जा तेरी ऐसी तैसी, ले चार्जर तू भी बाहर आ जा, रुक जा जितने है ना बेटा सब लगा दूंगा तेरे पीछे। तो मैं अटैक करो इस पे, मारो जरा इसमें, जरा तू पहले ये वाली गन खा ले, वल्केन वाली भी तो ले, आग लगाता हूं तेरे सीधा मत्थे में। ले भाई अब लगेगी इसके अंदर आग, और भाई आग से भी गाइस कितना ज्यादा डैमेज जा रहा है इस पे। आज तो गाइस हम लोग मुझे लग रहा है बहुत आराम से इस मेगा लुकारियो को पकड़ लेंगे, हमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली इसे पकड़ने में। आज तो गया, आज तो बेटा तू गया। भाई कितनी जल्दी इसकी हेल्थ डाउन करी और उड़ा उड़ा के मार रहे हैं इसे। वो देखो भाई इसमें आग भी लगी पड़ी और क्या क्या हो रहा है भाई। मुझे लग रहा है मैं आज भाई रिकॉर्ड तोड़ने वाला हूँ सबसे ज्यादा जल्दी मेगा लुकारियो को पकड़ने का। और इसने भाई एक वेनम को तो मार दिया मेरे, पर आज मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं अपने सारे पोकेमॉन्स को भाई वापस से रिफिल करके लाया हुआ हूँ। तो मार तो सही, कितने मारेगा, कितने पोकेमॉन को मार लेगा, 1 को 10 को 100 को, मतलब 100 को मारेगा तो दिक्कत हो जाएगी, बट फिर भी यार भाई लगातार गाइस इसकी हेल्थ डाउन हो रही है क्योंकि उसके अंदर आग लग रही है। मतलब भाई आग से और उसे भाई वेनम वाली गन से सबसे ज्यादा डैमेज जा रहा है। और भाई हमारा 4000 तो तुम्हें पता ही है ना गाइस कि सबसे ज्यादा पावरफुल फायर टाइप पोकेमॉन है, तो भाई वो उसमें आग लगा के मार रहा है। मुझे ऐसे गन मारने की जरूरत नहीं पड़ रही। ये देखो मारते रहो भाई, ऑलमोस्ट आधा कर दिया हमने, ऑलमोस्ट आधा। रुक जा बेटा, ले मीटियर लॉन्चर खा दो एक और, ले तो हवा में उड़ा उड़ा के मारूंगा। मुझे मत घूर बेटा, आज तू आएगा मेरे स्फीयर के अंदर, ठीक है ना, याद रख लियो। ले भाई फिर आग लगा दी, बहुत बढ़िया 4000, बहुत बढ़िया। गाइस अब होने वाला है हमारा म्यूटू वर्सेस मेगा 4000। अरे मेगा 4000 क्या बोल दिया मैंने, और इसने मुझे जमा दिया। गाइस अब होने वाला है हमारा म्यूटू वर्सेस शाइनी लुकारियो, लेट्स गो। गाइस अब देखना हमारा म्यूटू शाइनी लुकारियो पर किस तरीके से अटैक करने वाला है। बट गाइस शाइनी लुकारियो ने हमारे म्यूटू को जमा दिया है। और गाइस तुम लोग देख सकते हो कि उस मेगा लुकारियो की हेल्थ आधी से भी कम हो गई है, और उसने भाई हमारे गॉड डियाल्गो को मार दिया। बस अब तक हमारे सिर्फ 2 पोकेमॉन को मार पाया है, एक भाई ये वेनम मरा हुआ है और वहां पे डियाल्गो मर चुका है। बट कोई टेंशन नहीं है इसकी, भाई 100 करोड़ की हेल्थ होने वाली है, बस बहुत जल्दी इसकी हेल्थ डाउन करियो यार। आज तो गाइस बहुत ज्यादा मजा आ रहा है भाई से मारने में यार, पिछली बार से इतना मारा था ना, भूत बना के मारता मेरे पोकेमॉन को। बट आज भाई टाइम आ चुका है इसका बदला लेने का, और तुम लोग मारते रहो भाई। फिर आग लगा दी। ले तू बेटा, तू जहर तो खा, जहर कैसे रोक दिया मैंने अपने। ले और डबल डैमेज जाएगा तेरे पे। ये ले बेटा, ये ले, आजा, जल्दी बेटा, दिमाग खराब मत कर दियो मेरा, जल्दी पकड़ में आजा बस। अरे मारते रहो भाई, देखो भाई ये कितना भाई पूरा बिजली का तूफान ला देता है हमारा पिकाचू। है वैसे हमारा छुटकू सा पोकेमॉन, बट भाई उड़ा उड़ा के मार रहा है शाइनी लुकारियो।
मेरे को आ गया। अरे अरे मारो यार मारो ले। एक और एक और एक और एक और ले। ये वाले वन मोर भाई। ये गई हेल्थ मुझे मत घूर बेटा मत घूर मुझे। गाइस 7 करोड़ की हेल्थ हो चुकी है लुकारियो की और भाई लगातार उसकी हेल्थ डाउन हो रही है भाई। सब 7 करोड़ हो गई 70 करोड़ हो गई। मैं मुझे समझ ही नहीं आती भाई पता नहीं क्या लिखा रहता है ये। अरे मारो 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 भाई अपने पोकेमोन्स को। गाइस मुझे अंदर बुलाना पड़ेगा कहीं सारा पेली दे ऐसे सारी मेहनत पर पानी फेर दे। अरे अरे मारते रहो। गाइस बस 5 करोड़ की हेल्थ होती है मैं अपने बाकी सारे पोकेमोन्स को अंदर रख लूंगा और फिर मैं भाई अकेले इससे लड़ने वाला हूं। अब थोड़ी ना डरता हूं मैं इस मेगा लुकारियो से। अरे यार फिर मार दिया। अच्छी खासी फाइट चल रही थी बट बेचारे को मारने दो यार। खुश होने दो थोड़ा सा क्योंकि बस ये 2-3 मिनट का और मेहमान है और उसके बाद में से आराम से पकड़ने वाला हूँ भाई। वापस से गाइस फटाफट से रिस्पॉन हो जाते हैं। तो ओके गाइस अब मैं वापस से रिस्पॉन होके आ चुका हूँ बट गाइस मेगा लुकारियो की हेल्थ फुल थी क्या? एक सेकंड भाई मेरी आंखों ने सही देखा है ना भाई? ये यार ये क्या एबिलिटी लेके आते हैं अपने अंदर भाई। उस दिन मैं आइसक्रीम निंजा को पकड़ने गया यार वो भी अपनी हेल्थ रिफिल करके बैठ गया था भाई। यार ऐसे चीटिंग क्यों करते हैं यार? यार नहीं यार इसने गाइस अपनी हेल्थ वापस से रिफिल कर लिया। बेटा तू कर चीटिंग तो कर। और भाई मेरा लॉन्ग ड्रैगन जमीन के अंदर कहां चला गया? अरे अबे अबे ओ अबे लड़ अरे भाई ये क्या हो गया इसे? अरे 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 बट कोई टेंशन नहीं है गाइस रुक जा बेटा तू कर चीटिंग तो कर चीटिंग। बेटा तेरी हेल्थ ना और जल्दी डाउन करूंगा मैं इस बार गाइस। ये इसके ऐसी की तैसी इस बार मैं मरूंगा नहीं ना रुक जा। हर बार चीटिंग पे उतरता है ना ले। पहले तो बिजली के झटके खा ले। ये ले 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 पिछवाड़े में झटके खा फिर तू ले अपने में आग भी लगवा और तेरे में साथ में बेटा ये जहर भी लगाऊंगा। जहर कहां ले पेनम। ये ले बेटा अब जाएगी गाइस की हेल्थ देखना कितनी ज्यादा जल्दी जाएगी। बस मेरा 4-8 नहीं मरना चाहिए भाई। 4-8 मर गया तो भाई दिक्कत हो जाएगी क्योंकि भाई वही सबसे ज्यादा डैमेज दे रहा है मेरे हिसाब से। और गाइस देखो यार चुटकी हो गया अंदर हम लोग इसकी हेल्थ आधी कर चुके हैं चुटकी हो गया अंदर भाई। बेटा तू गया रुक जा भाई मैं मास्टर्स फेयर रेडी को रख के रखता हूं। मास्टर्स फेयर से पकड़ में आ गया क्योंकि रुचा लगातार भाई इसमें मैं वेनम मारने वाला हूं। तुम देखो गाइस इसकी हेल्थ कितनी जल्दी डाउन होने वाली है। रुक जा और भी पोकेमॉन्स को भेजता हूं। रुक जा तूने कर दिया बदतमीजी ले। आरसीस तू हारा एलियन ड्रैगन तू भी मारा जा। रेकवाजा को भी निकाल दिया मैंने। पिकाचू ग्रेनिंजा सबको बाहर निकाल दिया भाई। अब देखना गाइस यहां पर पूरी तबाही मचने वाली है और इसकी हेल्थ भाई आधी से भी कम हो चुकी है। और ये कौन अटैक कर रहा है भाई? भाई उड़ा के मार रहे हैं ऐसे यार देख रहे हो तुम देख रहे हो। पर मेरे साथ सबसे ज्यादा डैमेज भाई इसे आग से ही जा रहा है भाई। दुनिया भर के पोकेमॉन उतार दिए मैंने। अबे यार इतने बड़े बड़े जब पोकेमॉन आते हैं ना तो दिखने में भी भाई मुश्किल होने लगती है यार। रुक जाओ तुम अंदर आ जाओ और कौन था बड़ा देखो तो तू भी अंदर आ जा भाई। मुझे अच्छा नहीं लगता तुम इतने बड़े बड़े बाहर घूमते हो। और किसे भेजू भाई? लुगाई को भेज देता हूँ बाहर भाई। जल्दी मारो यार। अभी भाई पिकाचू भी मार दिया इसने तेरी ऐसी तैसी कहां है? जहर लगता है उसका असर कम हो गया है। कहां गया अबे किसे जमा रहे हो? अबे भाई दिखते भी नहीं है जब इतने पोकेमॉन स्पॉन कर देते हैं ना भाई दिखता ही नहीं है। कहां है ये लुकारियो? कहां है भाई कहां है? अरे ये रहे। ले बेटा अरे हट जा सामने से। अबे यार एक कोने में होके लड़ते हैं। अब लगेगा जहर आप जाएगी हेल्प भाई। जहर से ही जा रही है भाई। जिस भी बंदे ने कमेंट करा था यार थैंक यू सो मच मेरे भाई। भाई तुम ही बचा लेते हो भाई मुझे हर बार पढ़ना तो भाई मेरी बस की नहीं है इसे पकड़ने का भाई। देखो 9 करोड़ की हेल्प कर दी हमने इसकी कितनी जल्दी। ठीक है भाई जल्दी से अपने पोकेमॉन्स को अंदर भी रखना पड़ेगा मुझे। ये ले और जहर लगाऊंगा। रुक जा ये खा जहर। और आग वल्किन वाली गंगा ये आग। गाइस 8 करोड़ की एचपी हो चुकी है उसकी और उसने एक पारी के अंदर ही भाई ग्रेनिंजा और एक पिकाचू को मार दिया है। बट कोई बात नहीं भाई इसकी हेल्थ हमने बहुत डाउन कर दिया। बस थोड़ी देर और टिकना है और मेरा चार्जर्ड तो जिंदा है ना बस। अबे चार्जर्ड अबे ओ हेलो अबे नहीं ये तो एलियन ड्रैगन है। मैं डर गया। अबे नहीं यार गाइस हमारा चार्जर्ड भी मर गया है। तभी मैं सोचू भाई उसकी हेल्थ क्यों नहीं जा रही थी। बेटा तू रुक जा बेटा तूने ले लिया गलत आदमियों से पंगा। ले बेटा तेरे में आग मैं लगाऊंगा। ले चार्जर्ड को तूने मार दिया। ले बेटा ले भाई आज गाइस इसे मैं अपने हाथ से नहीं जाने दे सकता वरना भाई बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। ले जहर भी लगा। ले बेटा बहुत जल्दी हेल्थ जाएगी इसकी बहुत जल्दी हेल्थ जाएगी भाई। 7 करोड़ की एचपी हो गई इसकी ऑलमोस्ट। ठीक है 6 करोड़ भाई बस 3 करोड़ पे आती मैं इसे पकड़ लूंगा। 3 पे नहीं यार 3 सब भी ज्यादा है। इसे 2 करोड़ पकड़ लेंगे हम लोग 2 करोड़ पकड़ लेंगे। ले बेटा ले और वेनम का मारते रहो कोई टेंशन की बात नहीं है। अरे जल्दी मारो यार। अरे कहां गया ये रहा। मुझे मत घूर भाई मुझे नहीं मरना। अगर मैं मर जाऊंगा मुझे पता है वापस यार अपनी हेल्थ बढ़ा के आ जाएगा। ये ले अरे नहीं ओ शिट भाई नहीं यार प्लीज की हेल्थ फुल नहीं होनी चाहिए वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी यार। मेरे पास 4000 भी नहीं है भाई। 4000 भी मर गया मेरा भाई। प्लीज ओ बच गए भाई। इस बार नहीं बढ़ाई हेल्थ बेटा अब तो गया। ले अरे यार जल्दी मारो। ले वेनम मार दिया। ले वाली गन भी खा तू। लगातार जो लग रहा है मारते जा रहा हूं मैं। रुक जा जल्दी वेनम। अबे लग रहा है ना इस पे। ले एक और वेनम खा। ले वल्किन। ले और आग लगाता हूं तेरे में भाई। 3 करोड़ हो गई। जल्दी अंदर रखो सब अंदर आ जाओ। मुझे पता तुम मार मूड दोगे इसे फिर दिक्कत हो जाएगी। इतनी मुश्किल से तुम्हें तो पकड़ने में आने वाला है भाई। रुक जाओ गाइस 1 करोड़ की एचपी होने वाली है इसकी बस। अब ले और आग लगाता हूं। ले मेरे से लड़ेगा ना तू। आ जा ले मार। ले बेटा मुझे आता है बचना तेरे से बेटा। अब आ तू भाई साहब। अब 1 करोड़ से भी नीचे हेल्थ आ चुकी है। ओ नहीं ओए भाई गाइस बिल्कुल एंड टाइम पे मैंने इसे शेयर फेंक दिया है। और इसी के साथ गाइस हम लोगों ने मेगा लुकारियो को फाइनली कैप्चर कर लिया है भाई साहब। गाइस आज मैं भाई इतना ज्यादा खुश हूं और फाइनली जाकर भाई हम लोगों ने इतनी मेहनत के साथ इस मेगा लुकारियो को पकड़ लिया। एक बार मैं से उठा के तो देख लूं है कहां पर ये। अच्छा मेरे हाथ में ही आ गया है भाई। ये रहा रुक जा भाई। मेरी एक्साइटमेंट गाइस तुम्हें पता ही यार कितनी ज्यादा एक्साइटेड हूं मैं भाई साहब। गाइस देखो यार ये इतना
बड़ा प्यारा पोकेमोन है, मतलब इसने भाई इतना ज्यादा दिमाग खराब कर दिया मेरा यहाँ पर भाई पकड़ में आने में। बट गाइस अब मुझे लग रहा है कि हमारे पास हो चुका है पैल वर्ल्ड का सबसे पावरफुल पोकेमोन, और भाई इसे यूज कर भाई हम लोग उस इंटरनेटस से भी बदला लेने वाले हैं, क्योंकि भाई वो मेरा पूरा का पूरा बेस तोड़ के चला गया था। मतलब मेरा छोड़ो भाई, इतने सारे यूट्यूबर का बेस तोड़ा था ना उसने, तो उसे भाई चुन चुन कर उससे बदला लेंगे। और फिर हम लोग गाइस पकड़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर शैडो म्यूटू को। तुम लोग भाई फटाफट से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और गाइस तब तक तुम लोग जाकर ये वाली पैल वर्ल्ड की वीडियोस देखो। टेक केयर एंड पीस।